ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبت لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي أبتهي التهامي السراج المضي والكوكب ذري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة والعبد المؤيد ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله العظم روحي وارواحنا لمقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم कौन तो नबीन सलावात पढ़िए बाबा जबर सिलसिले गुफ्तगू आज अपने पांचवें मरहले में है और आज की मजलिस के लिए हमने जिन कलमात की तलावत की है उसमें अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है और साथ समा रहा है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने खल्क को खल्क किया। ज़ाहिर है कि यहाँ पर खल्क से मुराद सरकार दो आलम हैं, पंजन पाक हैं, अइमे मासूमीन हैं। तो अल्लाह इरशाद फरमा रहा कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खल्क किया और यहाँ पर खुदावंद आलम ने अपने आप को ख़जाना कहा है। मुझे कुछ अशार याद आ गए मरहूम अल्लामा नजमुल हसन साहब करारी की सलवात पढ़ी तो मशहूर थोड़ा ऐसी सलवात पढ़ी कुछ मूड बने पढ़ने का बाबा ने बोले ज़मीन व ज़मां और न था जब ज़माना ज़मीन व ज़मां और न था जब ज़माना नहा था पर्दे साज़ में तराना। ज़मीन व ज़मां और न था जब ज़माना नहा था पर्दे साज़ में तराना। ज़मीनों से वाकिफ़ न था आस्ताना ज़मीनों से वाकिफ़ न था आस्ताना ज़मीनों से वाकिफ़ न था आस्ताना नहा था ज़रा गौर कीजिएगा ज़मीनों से वाकिफ़ न था आस्ताना। सलवात पढ़िए बाबा जब वलन ज़मीनों से वाकिफ़ न था आस्ताना। ये चाहा कि जो नहा है वह आया हो खजाना वो कहे पर्दे साहब में नहा हो। सलवात पढ़िए बाबा जब वलन तो अल्लाह अपना तारुफ करा करा कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इनको खल किया। खालिक कायनात ने इस कायनात आदम आलम में एक सिलसिला रखा है हिदायत का। अल्लाह ने नबियों को भेजा अल्लाह ने रसूलों को भेजा और भेजा कौमों की हिदायत के लिए। लेकिन जितने अंबिया आए और मुरसलीन आए इन तमाम नबियों को रसूलों का अल्लाह ने दलील के तौर पर मौजज़ा अदा किए हैं। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसके पास मौजज़ा ना रहा हो।
मौजूदा नबियों की नबूवत और रसूलों के रिसालत पर दलील रहा है। और कोई नबी एक मौजा लेकर आया, कोई दो मौजा लेकर आया, कोई तीन मौजा लेकर आया, कोई चार मौजा लेकर आया, कोई पांच लेकर आया, कोई छः लेकर आया, कोई सात लेकर आया, कोई आठ लेकर आया, कोई नौ मौजे दिए हैं अल्लाह ने। जनाब मूसा के लिए कुरान में कि हमने मूसा को नौ मौजा था, ताकि एक सलवात पढ़ी और बाबा दे बल्ला तो ये मौजा हर नबी की नबूवत पर दलील रहा है। एक मौजा से लेकर अल्लाह ने नौ नौ दस दस मौजा अता किए नबियों को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मौजात अल्लाह ने दिए हैं वो हर नबी को उसके अहद और दौर के मुताबिक दिए हैं। जो मौजात पैगंबर लेके आए, अंबिया लेके आए, अपने अहद और अपने ज़माने के मुताबिक लेके आए। मसलन जनाब मूसा के ज़माने में सहर और जादूगरी का मसला था, एक आम था। हद यह है कि लिखा है किताबों में कि जनाब मूसा के ज़माने में सहर और जादूगरी कारोबार बन गया था, कस्बे माश बन गया था, लोग इससे जो है वो कमाई कर रहे थे। इस कदर शोहरत थी शहर के जादूगरों जादू की। तो अल्लाह ने जनाब मूसा को जो है वो मौजा दो दिया, एक तो आसा का मौजा और दूसरे यद बैजा का मौजा। मौजा तो और भी हैं मगर ये दो बड़े मशहूर मौजा हैं, एक आसा का मौजा है और एक यद बैजा का। आसा का मौजा मसलन वसा ज़मीन पर डालें तो अजदा बन जाए, पानी मारें रास्ता बन जाए। याद है ना पानी मारा था फ़िरऔन जो है वो जब पीछा किया मूसा के लश्कर का, और मूसा अपने लश्कर को लेकर पहुँचे दरगाह तक, तो लश्कर वालों ने कहा मूसा हम तो तुम्हारा साथ दे के बहुत बुरे फंस गए। कहा क्यों? कहा आगे दरिया है और पीछे फ़िरऔन का लश्कर है, आगे आए दरिया में डूबे पीछे आएंगे तो फिर हम लश्कर मार देगा, तो कुछ करो। तो क्या करें? का रास्ता बनाओ या कोई रास्ता निकालो। लेकिन जनाब मूसा ने आसा मारा जब पानी पर तो एक रास्ता बना, कब चलो कबा कबीले 12 हैं, रास्ता एक रास्ते से 12 कबीले कैसे जाएंगे? का मतलब क्या मतलब? तो 12 रास्ते बनाओ। खैर मूसा ने 12 रास्ते बनाए, कहा चलो कहीं कुछ ऐसा साफ सुथरा रास्ता बनाओ कि हम अपने एक दूसरे साथी को देखते हुए चले। सलवात पढ़िए बाबा जब जनाब मूसा की कौम बड़ी सदी कौम थी, तो ऐसा कुछ रास्ता बनाओ कि हम एक दूसरे देखते हुए चले। खैर मूसा ने इशारा किया, वो भी हुआ, कहा चलो। तो लिखता है कि जनाब मूसा अपने उन साथियों को लेकर चले, आगे आगे जनाब हारून थे और सबसे पीछे जनाब मूसा थे। अब ये रास्ता बना हुआ जा रहा है और इन्हीं के दरमियान वो सामरी भी है, यार नहीं तो कल सबको गुमराह कर देगा। इन्हीं के दरमियान वो भी है। जब भी दरिया में पहुंच गए तो अजय ने मेरे दिल कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, दरिया इसे डुबो दे वरना कल सबको गुमराह कर देगा। तो अजय ने दरिया की आवाज़ है कि डुबोने का दिल तो मेरा भी कहता है, मगर क्या करें, दो मासूम नबियों की निगरानी में गुजर रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने गौर नहीं किया, कहा क्या करें डुबोने का दिल तो मेरा भी कह रहा है, मगर ये दो मासूमों की निगरानी में गुजर रहा है। यही मकसद को तो ये मौलवियों आप सरात मुस्तकीम धमकी हमें न देना, जब सामरी जैसा गुनहगार दो मासूमों की निगरानी में गुजर सकता है तो 14 की निगरानी में हम क्यों नहीं गुजर सकते? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उधर गौर कीजिएगा, अब तो गुजर गए लेके, अब फिरौन पहुंचा। अच्छा फिरौन पहुंचा तो उसने रास्ता बना हुआ देखा तो मुल्क कहा कि देखो ये रास्ता हमने बनाया है, बनाया मूसा ने था, और कहता है कि हमने बनाया है। आज अपनी दरिया में कहा आओ तो बताएं किसने बनाया है। अब लिखा जब ये चला तो वही हुआ जो होना था। जब पहुंचा ये 20 दरिया में
तो एक बड़े अच्छे खतीब का जुमला है कि फिरौन चूँकि मिस्री था और पानी में मिस्री घुल जाती है, लिहाजा जब पानी में पहुँचे तो मालूम डूब गया, सलवात पड़ जाओ और बाबा जब बदल मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने आपको खामखा हुआ गुजारने के नहीं सुनाया है, एक मकसद के लिए मैंने सुनाया है कि जनाब मूसा अपना लश्कर लेके गुजर गए, अब आया फिरौन, तो फिरौन ने कौन सा रास्ता अख्तियार किया था, क्या अलग से रास्ता बनाया था? कहा नहीं भाई, वही रास्ता जो मूसा ने बनाया था। तो रास्ता बनाया हुआ मूसा का था, मगर जब मूसा गुजरे तो गुजर गए, और मूसा नबी के बनाए हुए रास्ते जब फिरौन गुजरा तो डूब गया। फिरौन ने डूब के इस बात का ऐलान कर दिया कि देखो इंसान को रास्ता नहीं मैं रहबर बचाता है। एक सलवात पढ़िए बाबा जब अल्लाह, रहबर बचाता है, और रहबर वो जिसको अल्लाह रहबर बनाए, वरना रहबरों के भीड़ में तो हमने ऐसे ऐसे रहबरों को देखा जिन्होंने कहा तुमने बनाया हम बन गए, न तुम बनाते न हम बनते, तुमने बनाया हम बन गए। तो सुनो, कभी कभी हम रास्ता भूल जाते हैं, अगर कभी रास्ता भूल जाए तो तुम हमें सही रास्ते पर लगा देना, आपने गौर नहीं किया। ये राहबर है जो राहरों से हिदायत की भीख मांग रहा है, तुमने बनाया हम बन गए, ना बनाते ना बनते। तो कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं, अगर भूल जाएं तो तुम हमें सही रास्ता लगा देना। सवाल ये है कि इतनी बड़ी मसनत में बैठ कर भिखारी क्यों बन गया? भाई ये राहबरी की मसनत है ना, इतनी बड़ी मसनत बैठ भिखारी क्यों बन गया? तो हमारा तो तजुर्बा है, जब कोई गलत आदमी सही जगह पर आ जाता है तो भिखारी बन ही जाता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद, तो अगर मंजिल मकसूद तक पहुंचना हो तो राहबर कैसा होना, राहबर मासूम होना चाहिए, वो राहबर हो जिसको अल्लाह ने राहबर बनाया। इसीलिए हमने ऐसे दामन नहीं थामा जिन्होंने अपने राहरों से पूछा हो तुम बता देना, ऐसे के दामन थामा जिनका कहा जमीन की बातें क्या पूछते हो, हमसे आज की बातें पूछो। सलवात पढ़िए बाबा जी बोल है मौलाए कायनात की हयात का आखिरी कलमा, मौला अली के चाहने वाले बैठे हैं, मौला अली की जिंदगी का आखिरी कलमा, आखिरी फकरा क्या था? यही था ना, सलूनी सलूनी कबल तफकलूनी। जनाब अमीर के सर पे ज़रबत लगी हुई है, असाब बैठे हुए हैं, चाहने वाले बैठे हुए हैं, और इमाम सहारा लेके बैठे हुए हैं, और आखिरी फकरा कहा तो पूछ लो जो कुछ पूछना हो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान छूट जाऊँ। मौलाए कायनात मेंबरे मस्जिद कुबा बारहा ऐलान करते हैं कि जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो, मगर क्या पूछने वालों ने पूछा तो, मगर जो हक था पूछने का वो नहीं पूछा। सवाल तो बहुत हुए, आज इंसाफ से बताइए, अगर आपके बम्बई में कोई ऐसा आ जाए पढ़ा लिखा आदमी जो दावा करे जो कोई पूछना हो पूछ लो, तो हर तबका बढ़ेगा और अपने अपने सवालात को पूछेगा, अपने अपने मियार इल्म के मुताबिक पूछेगा, साइंस वाले साइंस बारे में पूछेंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी बारे में पूछेंगे, मंतिक वाले मंतिक बारे में पूछेंगे, हर आदमी अपने हिसाब से पूछेगा। भाई मौका मिला कोई आया हुआ बताने के लिए, मौलाए कहने पूछो जो कोई पूछना हो, मगर पूछने वाले ने क्या पूछा, वह क्या पूछा, ये आली हमारे सर में बाल कितने हैं? सलवार पढ़िए बाबा जब अल्लाह है, क्या ये आली हमारे सर में बाल कितने हैं? अब ये कोई सवाल है? मौला अगर जो कोई पूछना पूछ लो, अगर हमारे सर में बाल कितने हैं? ऐसे ऐसे सवालात किए गए कि अगर पढ़ लिए जाएँ तो आप महसूस करें कितने जाहिल कौम से पाला पड़ा था मौलाए कायनात। एक साहब ने कहा अच्छा सलून का दावा, कहाँ दावा किया है, कहाँ भी पूछेंगे उनसे, सारा जो है दावा सलूनिक जो है वो मालूम हो जाएगा, मिल जाएगा। आए कया अली, एक सवाल है, क्या सवाल है? कहा कि दो मुख्तलिफ जानवरों से एक बच्चा पैदा हुआ है,
बड़ा मशहूर वाक़या आप सुना करते हैं, दो मुख्तलिफ जानवरों से एक बच्चा पैदा हुआ है, मतलब एक कुत्ता और बकरी से एक बच्चा पैदा हुआ है। अब समझ में आए कि इसे हम कुत्ता कहें या बकरी कहें, ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है। तो हमने कहा आपने सलूनी दावा किया, आपसे पूछ लिया जाए। तो मौला कायना ने क्या कहा, देखिए कितने घटिया सवालात, इस तरह के सवालात उनकी सोच को उजागर करते हैं। सलवार बोलिए बाबा ने बोल है, उनका मिजाज तो ज़रा आप देखिए, सोच कितनी घटिया थी। क्या दो मुख्तलिफ जानवर मिलकर एक बच्चा पैदा हुआ है, समझ में आता कि जब कुत्ता कहें या गरी कहें। तो मौला ने कहा बहुत आसान है, का क्या है का उसको देखो वो बोलती कैसे है। अगर कुत्ते के अंदाज में बोले तो कुत्ते से मुलाक कर दो, अगर बकरी के अंदाज में बोले तो उसे बकरी में मुलाक कर दो। का यही तो परेशानी है, का क्या परेशानी है, का कभी वो कुत्ते की आवाज़ में बोलता है और कभी वो बकरी की आवाज़ में, यही तो परेशानी है। का अच्छा ऐसा करो उसके सामने पानी रख के देखो, अगर वो चाट कर पिए तो कुत्ता और घूंट बना कर पिए तो बकरी, का यही तो परेशानी है, ये भी करके देख लिया। कभी वो चाट के पानी पीती है, कभी वो घूंट के तरह। का अच्छा ऐसा करो उसके सामने घास और गोश्त रख के देखो, अगर वो घास खा ले तो बकरी और अगर गोश्त खाए तो कुत्ता, का ये भी करके देख लिया। कभी वो घास कभी वो गोश्त। का अच्छा ऐसा करो उसको गल्ले में छोड़ कर बकरी को देखो, अगर वो झुंड के अंदर चल रहा हो चले तो बकरी, अगर बाहर बाहर तो कुत्ता, का ये भी करके देख लिया। अब मौलाली समझ गए कि अगर हम यूँ ही बयान करते रहेंगे तो ये यही कहेंगे, ऐसे भी क्या देख लिया, वैसे भी क्या देख लिया, ऐसे भी क्या देख लिया, वैसे भी देख लिया। तो थोड़ी देर तक इमाम खामोश हुए। अब लिखा हुए समझे कि आज इनकी जो है वो हकीकत मालूम हो गई लोगों को, कितने बड़े काबिल हैं। का अच्छा ऐसा करो उसे ज़िबा करके देखो, अगर हाथ निकले तो कुत्ता उजड़े निकले बकरी, सलवार पढ़िए बाबा ने वाला। का ज़िबा करके देखो, अगर हाथ निकले तो बकरी कुत्ता है, अगर उजड़े निकले तो बकरी। अब क्या कहें, ये भी करके देख लिया। तो ऐसे ऐसे सवालात हुए हैं कि आप सोच नहीं सकते। मगर सवाल ये है कि वो तो जाहिल थे, वो तो थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक सवाल मौलाली से मैं करूँगा, मौला आपने जब कहा पूछ लो तो आप तो आलमुल गैब हैं, और आलमुल गैब क्या आप खालिकुल गैब हैं? क्या आपको नहीं मालूम कि जिनके दरमियान आप दावा सलूनी कर रहे जाहिल लोग हैं? इन्हें सवाल देखिए, सवाल करने के लिए इल्म चाहिए, नहीं मेरे जुमले गौर कीजिएगा। सवाल भी वही करता है जो आलिम होता है, जाहिल तो कोई सवाल करेगा नहीं। सवाल करना खुद दलील के सवाल करने वाला पढ़ा लिखा है, वरना जाहिल तो चुपचाप बैठा रहेगा। तो क्या आपको मालूम नहीं था कि जाहिल हैं और जाहिलों के दरमियान सलूनी का दावा? तो क्या हमें मालूम है, हम दावा सलूनी करके अपने इल्म का इजहार नहीं कर रहे, इनकी जहालत के इकरार ले रहे हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, जहालत के इकरार। इनकी जहालत के इकरार ले रहे हैं, इकरार कहोगे तुम जाहिल हो। तो सवालात हुए, माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो अच्छे सवालात भी होते हैं। चुनाचे बड़ा मशहूर है हमारे आपके आठवें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सलाम के लिए सलवात पढ़िए बाबा ने बोलो, बेटे थोड़ा पढ़ने दो, सलवात पढ़िए बाबा ने बोलो, आ जाओ यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। जब हम कहें इशारा करें तब नारा लगाना है ना, सलवात पढ़िए बाबा ने बोलो, हमें देखते रहो। तो सवाल करने के लिए इल्म चाहिए, माहौल अगर इल्मी हो तो इल्मी सवाल होगा। आपको मालूम है इनमें मामूर रशी का दरबार था, उसको कहा बड़ा कभी कभी इसको इल्मौक इंसान था, ये दुनियावी अतबार से इल्मौक था, ये इल्मी मुनाजरे बड़े करवाता था। चुनाच एक मरतबा इसके यहाँ दरबार में भैंसों ने की कि अकल की तारीफ क्या है, एक बहस छिड़ गई कि अकल की तारीफ़ क्या है, अक्ल किसे कहते हैं। सारे वो बड़े बड़े उनके जितने
जुगाड़ों के उनके आदमी थे मौलवी हजरात, पढ़े लिखे वो बिठाए गए थे और बहस हो रही है, क्योंकि आलिम किसे अकल किसे कहते हैं। अब हर आदमी अपने अपने एतबार से बयान कर रहा है। चुनांचे बहस इस बात पर आगे ठहरी कि अकल कहते हैं कि जो अच्छे और बुरे के तमीज़ दे ले उसे अकल कहा जाता है। इस बात पर सब मुत्तफिक हो गए, कहा कि भाई बुलाया जाए फर्जंद रसूल इमाम रजा को। इमाम बुलाया गया, क्या मामला है? कहा बहस है कि अकल की तारीफ क्या है। तो कहा इन्होंने क्या बयान किया? कहा इन्होंने कहा कि जो समझ ले कि अच्छा क्या है बुरा क्या है उसी को अकल कहते हैं। तो इमाम ने कहा अकल की तारीफ यह नहीं है। कहा फिर? कहा दो अच्छाइयों में सबसे बड़ी अच्छाई क्या है और दो बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई क्या है? जो तशख़ीस दे ले उसी का नाम अकल है। सलवात पढ़िए बाबा ने बल है वरना अच्छा क्या बुरा क्या है ये तो जानवर भी बता सकता है। वे आप एक बकरी के सामने सूखा चारा रख दीजिए, नहीं खाएगी, हरा रख गया खा लेगी, उसे मालूम है क्या खाना क्या खाना नहीं है। जानवरों का वैसे नहीं ले जा, अल्लाह ने इंसान को जानवरों से अकल को माफी इम्तियाज बनाया है। वरना जहाँ तक एहसास का मामला है जानवरों में कुव्वत हिस्स इंसानों से ज़्यादा पाया जाता है। अक्सर बात और पढ़िए बाबा जब इंसान वो जानवर माँ बिल इम्तियाज अकल है अकल। वरना जहाँ तक एहसास का मामला है वो जानवरों में सब ज़्यादा पाया जाता है। शेख नसरुद्दीन तूसी ज़बरदस्त सालिम, जवाब नहीं था, लिखा अपने किसी देहाती दोस्त के मेहमान बन गए एक बार, दोस्त और देहाती। अब देहात में जो रहे उन्हें तो मालूम होगा देहाती माहौल। लिखा है कि उन्होंने देहाती ने अपने इनको दोस्त को नसीरुद्दीन तू को खाना वाना खिलाया और जब रात का वक्त आ गया तो बिस्तर जो है इनका वो हुजरे में लगा दिया बरामदे में। तो इन्होंने कहा गर्मी का ज़माना है और तुम बिस्तर बरामदे में लगाओ, सहन में लगाओ, जेर आसमान सोएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है यहीं सोइए बेहतर है। कहा क्यों? कहा रात में बारिश होगी और आप खामखा उठना पड़ेगा, नींद में खलल पड़ेगा। ये देहाती आदमी कह रहा किससे? एक ग्रेड के फलसफे जानने वाले हिकमत हसन तुसी। कहा कि रात में बारिश होगी और आपको उठना पड़ेगा तो खामखा नींद में खलल पड़ेगी। इन्होंने बगौर देखा आसमान की जानी का मतला साफ है, न कहीं बादल न कहीं अब कोई आसार नहीं है और तुम करो बारिश होगी बारिश नहीं होगी बाहर लगा दो। कहा मैं आपसे कह रहा हूँ बारिश होगी। उनका मेरा मैं आलिम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे मालूम है कहीं कोई आसार नहीं है। कहा जिद न कीजिए, आपको रात में उठना पड़ेगा, नींद में खलना पड़ेगा। कहा आप लगा दीजिए बाहर बिस्तर, हमको हाथ सोना है। लिखा सहम ला के बिस्तर लगा दिया गया, अब वो सो गए। और जब रात का दो पहर गुजरा और तीसरा पहर आया तो मालूम है ज़बरदस्त बारिश। जल्दी उठे उठे बिस्तर समेटा और लाया और मालूम है कमरे में लगा दिया। अब जो बकिया हिस्सा था रात का वो सिर्फ सोचते में गुजर गई कि हम तो इतने पढ़े लिखे, कोई किताब नहीं बची, फलसफा मंतिक ये वो हिकमत सब जानते हैं। ये देहाती आदमी से बाग और खेत में काम करने वाला, इसने कहा बारिश होगी तो हो गई और मेरा इल्म काम ना आया। अब इसी सोच में लिखा सारी रात बैठे रहे कि क्या करें, सुबह हो मैं से पूछूं तुम्हें कैसे मालूम हुआ। लिखा सुबह हुई नमाज वहाँ पढ़ कर बैठे थे, वो नाश्ता वास्ता लेके आया, कहा नाश्ता तो बाद में होगा, पहले ये मुझे बताओ कि हमने देखा मतला साफ था, बादल नहीं था, अब नहीं था, बारिश के कहीं आसार नहीं थे और तुमने कहा बारिश होगी तो बारिश हो गई, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बारिश होगी? मेरा इल्म बेकार हो गया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कहा हम आपकी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं, ना हम मंतिक जानते हैं ना हम फलसफा जानते हैं। हुआ क्या? कहा ये हमारा कुत्ता जो है जिस दिन बाहर सोता है मैं समझ जाता हूँ बारिश नहीं होगी और जिस दिन अंदर सोता है मैं समझ जाता बारिश होगी। कल ये अंदर सो रहा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद।
ये क्यों सुनाया? इंसान और जानवर से अक्ल माफिल इम्तियाज है, वरना कोते हिस्त हमसे ज्यादा उनके पास पाया जाता है। ठीक है, तो जरा गौर किया मैं कहना क्या रहा हूँ, ताकि घास लगी है सूखी घास हरी घास तो बकरी भी समझ लेगी। का फिर बताइए आपकी निगाह में तारीफ अक्ल क्या है? अक्ल की सही तारीफ है, दो अच्छाइयाँ और दो बुराइयाँ एक साथ आ जाएं तो सबसे बड़ी अच्छाई क्या है और सबसे बड़ी बुराई क्या, ये इंसान जो समझ ले उसे अक्लमंद कहते हैं। सलवात पढ़िए बाबा आले बल्ला। अब जब इमाम ने बयान किया तो लिखा है मामूर दरबार में सुभान अल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तारीफ होने लगी। इमाम ने बयान किया, बयान करके लिखा है मामूर दरबार से निकले। ठीक है, अब जब निकले तो इमाम का चाहने वाला था वो इमाम के पीछे पीछे दौड़ता हुआ, मौला ठहर जाइए। इमाम ठहर गए, कहा क्या बात है? कहा मौला आज तो आपने दुश्मन के दरबार में ऐसा फलसफा उसे जवाब दिया है कि दुश्मन सुभान अल्लाह वाह वाह कर रहा था, क्या मौला क्या आपने जवाब दिया? खुश हो गया ना मौला की बात, खुश हो गया। अब मोहब्बत की पहचान भी यही है कि जिससे मोहब्बत हो उसकी जब बात बयान हो फजाइल बयान हो तो इंसान खुश हो। कहा मौला क्या क्या तारीफ आपने अक्ल की बयान की? तो इमाम ने कहा कि मैंने जो अक्ल की तारीफ बयान की है वो उनके अक्ल के मेयार के मुताबिक बयान की है। नहीं गौर नहीं किया आपने, कहा ये तुमने तारीफ की मेरी, मैंने वहाँ जो तारीफ की अक्ल की, ये मैंने उनके जो लोग मौजूद थे उनके अक्ल के मेयार के मुताबिक मैंने बयान किया है। तो कहा मौला अक्ल के तारीफ उनके अक्ल के मेयार के मुताबिक कहाँ? तो एक बात ये भी बातें हो गई कि अगर कोई बात मासूम के आप सुने कि फला मासूम ने ये कहा, किसी मासूम ने उसके बरस कहा है, तो घबराया कीजिए। ये देखे इमाम किससे कह रहे हैं, इमाम ने किससे कहा है? इमाम ने मुसलमान से कहा या सलमान से कहा? ये देखिए, वरना बहुत जब फैसला ना कीजिए भाई ये गलत कैसे, इमाम इमाम है दो अकवाल कैसे आ गए, ये कहाँ कहा किससे कहा है? कहा ये जो हमने जवाब दिया ये उनके अक्ल के मेयार के मुताबिक दिया है, मगर चूँकि उनके इतनी सोच थी यहीं तक समझ सकते थे, मगर इसका जवाब कुछ और है। तो कहा मौला वो जवाब हमें बता दीजिए, अकल की क्या तारीफ है हमें बता दीजिए। कहा अकल की तारीफ है कि जो अकलमंद इंसान अपने इमाम से मिल जाए उसे अकलमंद कहते हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अकल जो इमाम तक ले जाए, वली मुतलक तक ले जाए, हुज्जत खुदा तक पहुंचा दे उसे कहते हैं अकल। अगर इंसान हुज्जत खुदा तक नहीं पहुंचा है तो अकलमंद नहीं है वो इंसान। ए मेरे मौला तवज्जो दीजिएगा, क्या कहा? जो अपने इमाम से जुड़ जाए वो अकलमंद है, और वही अकल है जो इंसान को इमाम से जोड़ दे। तो हमारा 12 इमामों या 14 इमामों से वाबस्तगी सिर्फ अकीदत मंद होने की दलील नहीं, अकलमंद होने की दलील है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अकलमंद होने की दलील है, जो जितना ज़्यादा अकलमंद होगा वो उतने ज़्यादा हुज्जत खुदा से वाबस्ता होगा, उतने ज़्यादा इमाम से वाबस्ता होगा। इमामत से वाबस्तगी ये दलील अकल है, अकलमंदी है, बेअक्ल थोड़ी इमाम से होंगे। क्या कहा था कदीर में रसूलल्लाह, मन कुन तो मौला हो फादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ। ये मन क्या है? मन गदीर में 5 मरतबा रसूलल्लाह ने मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मन कुन तो मौला, मन दर गौर कीजिए आप, मन 5 मरतबा। अरबी ग्रामर में 2 लफ्ज़ हैं, एक माँ एक मन। मन का लफ्ज़ आता है साहबान अकल के लिए और माँ का आता है गैर अकुल के लिए। मन आता है ज़ियोकुल के लिए, माँ आता है गैर ज़ियोकुल के लिए। वमा अदरा का माँ लैलतुल क़द्र, वहाँ माँ आया है, तुम क्या समझो
कि कद की रात क्या है, तो जान ना समझी वाला मामला हो वहाँ आता है माँ, और जहाँ खिताब समझदारों से हो वहाँ आता है मन। हुज़ूर ने कहा मन कुन तो मौला हो, जिस जिस का मैं मौला हूँ। तो कदीम में सरकार द्वारा का खिताब था साहबान अक्ल से, अकलमंदों का खिताब था। अब किसने अली को मौला माना और किसने नहीं माना, जो अकलमंद था उसने माना, पागलों तो खिताब भी नहीं था। सलावत पढ़िए मोहम्मद अली मोहम्मद से है। काकल वो है जो इंसान को इमाम तक पहुंचा दे। अगर इमाम से वाबस्ता हैं आप तो आप अकीदतमंद ही नहीं, आप अकलमंद भी हैं। इमाम से वाबस्तगी दलील अक्ल है। तो बात बहुत दूर निकल गई। तो अल्लाह ने जो नबियों को भेजा तो उसी दौर वहद के मुताबिक मौजाद दिए हैं। जनाब मूसा एक मौजा आशा का और दूसरा मौजा यद पैदा, जो मशहूर तरीन मतलब 9 मौजात तो कुरान ने बयान किए हैं। सारे बयान करूँगा तो थक भी जाऊँगा और आप भी सो जाएंगे। जब रसूलुल्लाह आए तो जनाब फातिमा बिन जैसद ने कहा कि अब तक बच्चे ने आँखें नहीं खोली। तो रसूलुल्लाह ने कहा आली अब तक आँखें क्यों नहीं खोली, कहा वहाँ काबे बुत थे, अगर आँखें खोलता तो निकाह वो तो पड़ जाती। और फिर यह है कि आंखें खोलने के बाद आपके गोद में इसलिए खोल रहा हूँ ताकि दुनिया गवाह बन जाए कि पहले चेहरा जिसकी ज़ारत की है वो आपके चेहरा है। कच्चा दूध क्यों नहीं पिया, तो कहा गवाह आपका बन के आया हूँ, खर्चा घर से उठाऊँ, गवाह तो आपका हूँ। तो लिखा है नबी पाक ने अपनी ज़बान दे दी मौलाए कायनात के दहन में, ज़ुबान रसालत को चूसा मौलाए कायनात ने, नबी ने अपनी ज़ुबान अली के दहन में दे दिया। एक बात पढ़ूँ, कुरान में है सरकार गौर की बड़ी तवज्जो तलब बात है, मक्का शहर की कसम खाई अल्लाह ने। क्यों कसम खाई, कहले कि इस शहर में तेरा कदम पड़ा, कि भैया जिस मकाम पर नबी कदम पड़ जाए वो मकाम ला के कसम बन जाए, और जिस दहन नबी की ज़ुबान पड़ जाए सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पे। गहवारे में लिटा दिया गया, गहवारे मौलाली लेटे हुए। अब ये मौलाइयों का फिक्रा है, अगर ये फिक्रे कि आप तवज्जो न देंगे कौन तवज्जो देगा। मौलाए कायनात गहवारे में लेटे हुए हैं। और एक बार सांपों के जद अमजद, मुझे पता तो नहीं बोलेंगे आप, पहले ही मालूम था, सांपों के जद अमजद अजदहा नहीं अजदर, अजदर अजदर सांपों के पर दादा चले। और जैसे गहवारे करीब पहुंचे मौलाए कायनात ने डांटा, और ये कह के डांटा कि मेरे माँ का गहवारा है, तुम्हारे बाप का गार नहीं है ये। सलवात करिए मोहम्मद आले मोहम्मद से। ये मरहूम ये बहुत बड़े खतीब गुजरे इब्न हसन साहब ने, उन्होंने जुमला अल्लाह मकाम हो अल्लाह उनका दर्जा बुलंद फरमाए। उनका जुमला वो पढ़ा करते थे कि मौलाए कायनात डांट के कहा कि मेरे माँ का गहवारा है, तुम्हारे बाप का गार नहीं है ये है। तो मौलाए कायनात विलादत काबे में हुई है, और ये रसूलुल्लाह गवाह बन के आए, तो काबे ने दीवार ने रास्ता दिया, वहाँ नाकिया निकल के आया, गवाह बनाया। जनाब दाऊद अल्लाह ने उन्हें मौजा दिया, और ऐसा मौजा कि अल्लाहु अकबर, ऐसी आवाज़ कि जब आया तो इलाहिया की तलावत करते थे तो लिखा चरिन परिन हसरात जमा हो जाते थे। खुशलहानी का आलम यह था,
क्या दरिया के पास बैठ के तलावत करने लगते तो दरिया के मौजों में लहरें उठती थी। और क्या आपने, तो अल्लाह ने जिन नबियों को मौजाद दिए उनके अहद दौर के मुताबिक मौजाद दिए। बात को समेट लाऊं, बहुत दूर निकल गई बात। तो अल्लाह ने नबियों को मौजा दिया, किसी को एक मौजा, किसी को दो मौजा, किसी को तीन मौजा, किसी को चार मौजा, किसी को नौ मौजा। तमाम भी आए मौजा लेकर आए, मगर सरकार दो आलम मौजा लेकर नहीं आए, मौजा बन कर आए हैं। सलावत करिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक लाख 24,000 नबियों में रसूलुल्लाह में तमाम फ़र्क यह है कि और नबी अम्बिया जो थे वो मौजा लेकर आए हैं, मगर अल्लाह ने सरकार दो आलम को मौजा बना कर भेजा है। आपका वजूद मौजा है, आपका वजूद मौजा है। चले तो मौजा, रुके तो मौजा, बोले तो मौजा, चुप हो तो मौजा, बैठे तो मौजा, उठे तो मौजा, खाए तो मौजा, पिए तो मौजा, मुस्कुराए तो मौजा, किसी को हाथों पर उठाए तो मौजा, किसी को पुष्प बिठाए तो मौजा, किसी को प्यार से बस में बुलाए तो मौजा, और किसी को डांट के बस में भगाए तो मौजा। सलावत अली मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौजा दिया है, रुखसार मौजा, किरदार मौजा, रफ्तार मौजा, रफ्तार मौजा, कलाम मौजा, नाम मौजा, खदोखाल मौजा, हुस्न जमाल मौजा, फसाहत मौजा, बलागत मौजा, फर्ज पर आए तो मौजा, आज पर जाए तो मौजा। सलावत अली मोहम्मद और आले मोहम्मद। वजूद मौजा है, बातें तो बहुत है मगर बात तमाम कर रहा हूँ, इसलिए वक्त हो गया। आपको मालूम है कि नबी करीम के अल्लाह ने वजूद मौजा रखा था, हाथों मौजा, उंगली मौजा, मुट्ठी मौजा, बालों मौजा, आँखों मौजा, चेहरे मौजा, बज़्म मौजा, पूरा वजूद मौजा था। और कि आपने रसूलुल्लाह के पूरे वजूद मौजा था। हाथों का मौजा ये था कि अगर संग्रेजे आ जाएं तो कलमा पढ़ने लगें। जबान का मौजा था, जो बोल दे वही इलाही कहलाए। पूरे वजूद में मौजा, मगर पूरा कुरान आप पढ़ डालिए, अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मेरे हबीब तुम्हारा हाथ मेरा हाथ, तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा, तुम्हारी आंखें मेरी आंखें। वजूद मौजा था, मगर रसूलुल्लाह के आज़ा किसी हिस्से को अल्लाह ने अपना नहीं कहा। मगर क्या कहना मेरे मौला का, आंखें मौला के हों कहलाए ऐनुल्लाह, चेहरा मौला का हो कहलाए वजूल्लाह। सलावत पढ़िए बाबा जब बलंग और मामा बाले। इन तमाम चीज़ों में दो चीज़ें ऐसी हैं इसको अल्लाह ने अपना कहा, या तो रसूलुल्लाह के हाथ को अपना हाथ कहा। अरे मेरे हबीब ये कंकरी आपने नहीं मारी, ये मैंने मारी, क्या मतलब आपका हाथ मेरा हाथ। अरे मेरे हबीब ये तू नहीं बोला या मैं बोला, क्या मतलब आपकी जबान मेरी जबान। तो पूरे वजूद से अल्लाह ने दो चीज़ों को अपना कहा है, या तो हाथों का है या तो जबान का है। ये मेरा चुपचाप मजमा हमें बताए, दो चीज़ों का अल्लाह ने अपना कहा, या अल्लाह इन दो तक काम क्या लेगा, हाथ से क्या काम लेगा, जबान से क्या काम लेगा। का गदीर का इंतजार करो, हाथों पहले को उठवाऊंगा और जबान कहलाऊंगा मन कुन तो मौला उफाद अली मौला। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो वलायत से जुड़िए, वलायत हमारी पहचान है, वलायत हमारा तशख्स है, वलायत हमारी शनाख्त है। आज कायनात आदम आलम में वलायत ही है जो आपके लिए तशख्स है। आप दुनिया में पहचाने जा रहे हैं मौलाए कायनात की वलायत, अहले बैत की वलायत की बुनियाद। और याद रखिएगा, मैं अक्सर पढ़ता हूँ इसलिए कि ये बातें पढ़ने वाली हैं, कि हर वो चीज़ जो इंसान की पहचान हो, इंसान पर पहला फर्ज यह है कि उसको हिफाजत उसकी करे। पहला काम यह है, वलियों की भीड़ लगी हुई है। कुरान ने वली की पहचान बताई कि नमा वली को मल्ला रसूल वदीन अमन दिन यकीन सलात, वली वो है
कि जो अल्लाह के राह में ज़कात रखो कि अल्लाह के राह में ज़कात दे। वली की एक पहचान यह है कि वो ज़कात दे, जो ज़कात दे वली, और यहाँ क्या हो गया जो ज़कात ले वली। देने वाले को वली कहते हैं, लेने वाले को नहीं कहते हैं। तो विलायत पहचान है, विलायत शनाख्त है। आज कायनात में हम पहचाने जाते, विलायत दिल पहचाने जा रहे हैं, और जो पहचान उसकी हिफाजत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न जो बिलागा पढ़िए, मौलाए कायनात यही तो मामला है। पढ़ते नहीं है लोग। जनाब या अमीर का वसीयतनामा जो इमाम हसन इमाम से नाम ले, न जो उसे पढ़िए आप। अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िए। मौलाए कायनात इमाम हसन इमाम से वसीयत फरमा रहे हैं। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मासूम मासूम वसीयत का मोहताज नहीं होता है, मासूम मासूम होता है। मौला इमाम अली ने इमाम हसन इमाम से वसीयत नहीं किया, इमाम ने बच्चों को वसीला बनाकर अपने सियत वसीयत किया है। खिताब हमसे है, क्या वसीयत है मैं सारे जुमले दोहरा नहीं पाऊँगा। इमाम ने कहा है मेरे बच्चों, अल्लाह के घर की तरफ मुतवज्जे रहना, खाने काबे की तरफ मुतवज्जे रहना। अगर तुमने काबे को छोड़ दिया तो तुम दुनिया में पहचाने न जाओगे। तो मौला ने बताया कि मुसलमान तुम्हारी पहचान काबा है, अगर काबा छूटे तो तुम पहचान न जाओ। इसी तरह विलायत आपकी पहचान है, अगर काबा छूटे तो आप मुसलमान पहचाना जाए, अगर विलायत छूटे तो शिया पहचाने न जाए। अगर आपके जहाँ शिया है मौलाए कायनात के, तो शिया के जहाँ बहुत से माने, वहाँ एक माना है मोहब्बत चाहने वाला। हम शिया ने अली हैं, क्या मतलब हम अली के चाहने वाले हैं। भाई एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर हम और आप मौला को चाहते हैं तो मौलाए कायनात अपने शियों को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत तरफैनी मामला होता है। अगर हम आपको चाहते हैं तो आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहें आप हमें ना चाहें, तो इसका मतलब ये है कि मोहब्बत तरफैनी नहीं है। अगर हम कहते हैं हम मौला अली को चाहते हैं, तो यकीन मानिए मौला अली अपने शियों को चाहते हैं। आपको दलील क्या है, मैं दलील देता हूँ। मौलाए कायनात ने महफिल हदीसे के साथ उस वक्त ख़त्म ही ना होने दी जब तक ज़बान पैगंबर से ये न करवा लिया, ये जो कुछ मिला है तो हमें आपको मिला, ये बताइए मेरे शियों को क्या मिला। ये कहना दलील है कि अगर आप मौला अली को चाहते हैं तो मौला अली अपने शियों को चाहते हैं। क्या दलील है कि मेरा मौला हुसैन अपने शियों को चाहता है। सब जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का आखिरी लम्हा हो, हयात का आखिरी लम्हा हो, इस आखिरी लम्हे में इंसान उसे वो याद करता है जिसे बेपनाह मोहब्बत होती है। नज़र की कैफियत हो, रूह निकलने वाली हो, तो इंसान किसको याद करेगा, उसे को याद करे जिसे बेपनाह मोहब्बत होगी। हे मेरे अजीज़ों, यही तो बात है कर्बला में, जब हमारे इमाम के पास उनके हयात के तो आखिरी लम्हे रह गए, तो आपने उनमें से एक लम्हा सजदे पर किया, और आखिरी लम्हे में कहते हैं मेरे शियो जब ठंडा पानी पीना तो हुसैन गरीब के प्यास को याद कर लेना। इमाम ने आपको याद किया जब पानी पीना, तो अब्बास की प्यास नहीं, अकबर की प्यास नहीं, कासिम की प्यास नहीं, मुझ हुसैन की प्यास को याद कर लेना। ए अजीजो, सबसे ज़्यादा करबला में कौन प्यासा था, इमाम हुसैन प्यासे थे। जवान बेटा मख्तल से वापस आया और बाप के सीने से लग गया, बाबा आपने मेरी जंग देखी। हाँ मेरे लाल। बेटा मैं कैसे लड़ रहा था बाबा, कहा जैसे दादा हजरत करला लड़ रहे हो। कहा बाबा आपको जंग पसंद आई, कहा बहुत पसंद आई। एक बार बेटे ने कहा बाबा कुछ इनाम मांगो मिलेगा, कहा बेटा मांग क्या मांगता, कहा बाबा क्या थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा पानी मिले, यकीन जानिए शरीफ बाप की मौत हो जाती है उसका बाप बेटा कुछ मांगे और बाप बेटे को दे न सके। लिखा जब जनाब ने पानी मांगा तो इमाम ने मदीने का रुख किया, गवाह दी नाना गवाह रहिएगा कि जवान बेटा पहली मर्तबा अपने बाप से कुछ मांग रहा है, और आपका नवासा इतना मजबूर कि अपने बेटे की पहली और आखिरी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। मगर मैं कहूँगा शहजादे कि आपको मालूम न था क्या जहाँ आपके बाबा के पास पानी नहीं है, मालूम था तो आपने पानी क्यों मांगा। शायद राज रहा हो कि करबला में कौन कितना प्यासा था, ये तो सबको मालूम हो जाएगा। एक ऐसे दुनिया को मालूम होगा कि मेरा बाबा कितना प्यासा था,
अरबाब या अकबाल इसीलिए कहा मौला ने ए बेटा अपने जुबान मेरे दहन में दे दो। अकबर ने जुबान को दहन में फौरन खींच लिया, कहे बाबा अरे आपकी जुबान तो कांटे बड़े। हाँ शायद ये भी राज रहा हो कि अब तक अकबर ने जो कुछ मांगा वो खूबी से मांगा, शायद मरने के बाद मेरे बाप दिल में हुक उठे अरे जवान बेटा मर गया उसने अपने बाप से कुछ ना मांगा। बस अरबाब अदा मंजिल मसाज में करीब हो गया। हाँ अजीजो आपको मालूम है आज की मजलिस वाबस्ता है जनाब ज़ैनब के दो ननिहाल जनाब मोहम्मद से। अल्लाह अल्लाह ए अजीज़ो इमाम मदीने से चले थे जब ना तो लिखा है कि अपने सारे बेटों को लिया, सारे बच्चों को लिया, सिर्फ बेटियों में एक बेटी जिसका नाम सुगरा था क्योंकि बीमार थी इसलिए इमाम ने सुगरा को मदीने में छोड़ दिया। सबको ले के आए थे लेकिन जनाब मोहम्मद को साथ नहीं लिया था इसलिए कि जनाब मोहम्मद के वालिद जनाब अब्दुल्ला बीमार भी थे ज़ईफ भी थे और आपकी आँखों की बीनाई चली गई थी तो इसलिए छोड़ा था क्या ना मोहम्मद अपने बाप की खिदमत कर सके। अल्लाह अल्लाह लिखा इमाम 28 रजब को काफिला लेके मक्के आ गए और फिर उसके बाद इमाम ने हज को उमरे से बदला। और जब आप मक्के से चले तो लिखा कुछ दूर चले थे कि एक बार जनाब अब्बास ने कहा आका अब्दुल्ला। इमाम ने खैमा लगा दिया जनाब अब्दुल्ला आए आने के बाद को गुफ्तगू हुई। इमाम ने कहा अब्दुल्ला तुमने तो हमें रुख्सत कर दी था अब क्यों आए हो। काज में तो काम यह है कि मैं आया हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं तो रसूल से एक बार मिल लूँ। इमाम एक बार जनाब अब्बास कहते हैं ए अब्बास भैया अब्दुल्ला को ले जाओ वहाँ जो महमिल में जनाब ज़ैनब बैठी हैं। ए आशीज़ो जनाब अब्बास ले के आए। अल्लाह अल्लाह खबर जनाब ज़ैनब को पहले मिल चुकी थी कि अब्दुल्ला आए हुए हैं। जब यह सुना तो जनाब ज़ैनब के ख्याल में आया कि आखिर अब्दुल्ला तो मैंने इजाज़त तो ले ली थी और इजाज़त दे दी थी आज भी अब क्यों आए हुए हैं शायद मुझे जुदा करने आए हुए हैं। ए अजीज़ जनाब अब्दुल्ला आए और महमिल पे हाथ रखा जनाब ने पहली बात जो कही यही कही थी ठीक है हम आपके लिए तो तैयार हैं मगर एक बात याद रखिएगा अगर मैं अपने भाई से जुदा हुई तो अब ज़ैनब न जाएगी सैयद का ज़ैनब के मैया जाएगी मैं अपने भैया को तन्हा ना छोड़ूंगी। हाँ अरबाब अदा जनाब अब्दुल्ला ने कहा बिन्त रसूल मैं तुम्हें अपने भाई से जुदा करने नहीं आया हूँ मैं तो इसलिए आया हूँ कि आप जा रही हैं शायद कोई मुसीबत का वक्त आ जाए आपके भाई पर तो मैं सदका लेकर आया हूँ अपने भाई पर सदका कर दीजिएगा। जनाब ज़ैनब ने कहा एक अब्दुल्ला अरे कायनात कौन सी दौलत है जो मेरे भाई पर सदका हो सके। एक बार अब्दुल्ला ने कहा मैं माल दुनिया लेकर नहीं आया हूँ अरे दोनों बच्चे और बाप यादा कहा या ना मोहम्मद को लेकर आया हूँ एक को अपने तरफ से कुर्बान कर देना एक को मेरी तरफ कुर्बान कर देना। ये अरबाब यादा जनाब अब्दुल्ला ने उन्होंने मोहम्मद को सदका कहा। अब इसके बाद सैन के लब पर कभी बच्चों का नाम इस तरह ना आया यही कहा तुम तो अपने मोहम्मद सदका होना है तुम सदका हो। ये अरबाब यादा बस मजलिस तमाम होने जा रही है यहाँ तक इमाम करबला आ गए लिखा शब आशूर इमाम ने मर्दों का भी इम्तहान लिया तो ख्वातीन का भी इम्तहान लिया है। मर्दों के फारिग होने के बाद लिखा इमाम उन ख़याम से गुजरे जहाँ पर ख्वातीन के ख़याम था। आपको मालूम है करबला में 9 ऐसी माएँ थीं जिनकी निगाहों के सामने उनके बच्चों को ज़िबह किया गया उनको कत्ल किया गया। अरबाब यादा इमाम जब आए तो एक खैमे के सामने गुजर रहे थे क्या देखा कि एक बेवा है जो अपने यतीम बच्चे को सामने बिठाए हुए कह रही है ए बेटा कल जब हंगामे कारदार गर्म हो तो चचा सबसे पहले कुर्बान हो जाना अरे कहीं ऐसा न हो कि दुनिया कहे माँ गैर खानदान के थी इसे बच्चे ने ताखिर किया। ए अरबाब यादा इमाम ने जुमले सुने आंखों में आंसू आ गया आवाज़ दी उसी आलम माना में ए उम्मे फरवा अरे कैसे मुमकिन है कासिम मेरा भतीजा तो ऐसा है ऐसे शहादत किसी शहीद की न होगी जैसी यतीम भतीजे की होगी। हाँ अरबाब यादा और आगे बढ़े क्या देखा एक खैमा और है
और एक माँ है जो अपने बेटे को बिठाए हुए, ए बेटा अली अकबर, कल हंगामे का आजार गर्व हो तो सबसे पहले अपने पापा को कुर्बान हो जाना। हे माम की आंखों में आंसू आया, हे उम्मे लैला। हर बार ज्यादा इस तरह इमाम एक के समय गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि आखिरी समय आया। क्या देखे माँ है जो अपने दोनों निहालों को बिठाए हुए, ए बेटा नो मोहम्मद, कल जब हंगामे का आजार गर्व हो तो सबसे पहले माँ में तुम कुर्बान हो जाना। बस अरबाब यादा मस्जिद तमाम हो रही है, इमाम खड़े हुए हैं और जनाब जैनब अपने बच्चों वसीयत कर रही है, ए बच्चों जब कल तुम जाना मैदान में तो खबरदार ये ना बताना मेरे नाना का नाम हैदर करार है, मेरे दादा का नाम जाफर तैयार है। ए बच्चों ऐसे लड़ना कि दुश्मन खुद पुकार कर कहे यार ये अली के नवासे है, ये जाफर तैयार के बोते हैं। हाँ अरबाब यादा, ए बच्चों दूसरी वसीयत की याद करना, जब तुम जाओगे लड़ने के लिए ना तो फरात पर निगाह पड़ेगी, मौजे मारते हुए फरात होगा, पानी में निगाह पड़ेगी। ए बच्चों अरे खबरदार, फरात से पानी न पीना, इलेगा सकीना प्यासे। हार बाप यादा वो मंजिल भी आए कि इमाम ने अपने दोनों भांजों को इजाज़त दी, अल्लाह अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे घोड़ों पर बैठे मैदान कारदार में आए और अजीब जंग की, हैदरत कर्रा के नवासे जंग करते तो कौन करता, जाफर तैयार नवासे लड़ते तो कौन लड़ता। बहबा लड़ते लड़ते बच्चे फरात के पास पहुंच गए, किसी ने आके खेमे में आवाज़ दी, अरे आओ ना मोहम्मद, तो दरिया से करीब हो गए। ए अरबाब यादा जब जनाब जैन ने सुना, एक खेमे दूसरे खेमे में एक बार फिजा को बुलाया, ए फिजा अगर मेरे भैया अब्बास को बुला ला। जनाब अब्बास है शहजादी, क्या बात है, अरे बच्चे दरिया तो करीब हो गए, ए अब्बास जाओ। कहना ए बच्चो अरे सकीना प्यासी है। और अरबाब यादा अल्लाह अल्लाह एक मंजिल आई के बच्चे जख्मों जख्मी होते चले गए, अरे घोड़े जमीन पर आए, आवाज मामो अल्लाह अल्लाह कानों में आवाज पहुंची। इमाम आगे बढ़े, जनाब अब्बास पीछे पीछे, दो नौ निहार। लिखा है कि मैदान में दोनों जख्मी पड़े हुए थे, बड़ा भाई वफात चाहे शहीद हो चुका था, छोटे मरम हयात बची हुई थी। इमाम आगे बढ़े और एक बार दाहिने तरफ मोहन को लिया, बाएं तरफ मोहम्मद को लिया, जनाब अब्बास ने कहा आका एक मेरे हवाले कीजिए। कहा नहीं भैया अब्बास, अब तक सारे लाशें मैंने उठाया, ये लाशा मैं उठाऊंगा। ए अराज वालो, ए माँ बच्चों को लाशों को लेके आए, खेमे में रख दिया, आवाज दे जनाब बहन आओ, बच्चे आए हुए है, अल्लाह अल्लाह। जनाब भैया मैंने बच्चों को जिंदा देखने के लिए नहीं बुलाया। हाँ दीदो जनाब जनाब आगे बढ़ी, लिखा ओन में रमक हयात बाकी थी। एक बार ओन ने माँ को सलाम किया, कहा माँ अब तो आप राजी हो गई ना, अम्मा अब तो आप खुश हो गई ना। ये अजीजो दोनों बच्चों के बीच में जनाब जनों रात जगह बनाया और बैठ गई। बच्चों ने कहा हाल वफादा, ए अम्मा क्या हमने हक के वफा अदा कर दिया। जनाब ने कहा हाँ बेटा, कहे अम्मा अच्छा मदीने जाइएगा तो मेरे बाबा का मेरा सलाम। और बाप यादा याद तक कि जनाब उनकी आखिरी इश्की आई, रूह परवास कर गई, अरे अम्मा ने बच्चे का मुंह पे मुंह रख दिया। लेकर शहादत के बाद जनाब जैनब ने दुसदय शुक्र किया, हे परवरदगार इस कुर्बानी कबूल कर ले। ये तो एक जुमला ये था, आखिरी जुमला ये कहा, हे भैया अब तो आप अपनी बहन से राजी हो गए, हाय मेरे दार, हाय मेरे आनो मोहम्मद, जब तक जिंदा रही हमेशा भाई बगरिया भाई का महताब, कभी आनो मोहम्मद को याद न किया। बस आखिरी फिक्रा लिखा जी, लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा, वो मंजिल आई कि जनाब जैनब अपने घर में गई और हजरे में गई, जहाँ दो छोटे छोटे मुसल्ले रखे थे। अरे मुसल्लों को देखा, बच्चे याद आ गए। एक बार कर्बला को रुकिया, ए बेटो अरे तुम्हारा मुसल्ला,
माँ का खून के आंसू रुला रहा है, ए मेरे लाल और मोहम्मद, हाय माँ तुझे कैसे रोए, सलाम अल्लाहीना ظلموا ايام قلب ينقلبون لعنه القوم الظالمين تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اني اسالك باسمك العظيم العظيم على ذل ذل الاكرم يا الله تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس قلیل عبادت قبول فرما ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مومن مریض ان کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما یا اللہ جو پریشان حال کو پریشان دور فرما مولا جو سعادت کو ہیں تو پوری فرما یا اللہ ہمارے امام کو ظہر میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے انصار و عوام میں شمار فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین یا حسین